उद्भव स्थिति, देखिए ग्रंथ का सम्मान करते हुए हम देखेंगे, उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वशेष करीम सीता न तो हम राम बल्लभा। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सीता। बड़े चकित हैं सब लोग के, देखो इन्होंने अभी तक राम जी को शीश नहीं झुकाया, अपने प्रभु पर ध्यान नहीं गया इनका अभी। अब इनका ध्यान तो वंदे वाणी विनायक गणेश जी पे और सरस्वती पे गया, शंकर और पार्वती पे गया, फिर ध्यान गया है वाल्मीकि और हनुमान जी पर। तब उन्हें लगा कि सब ऋषियों को प्रणाम हो गया, अब ये सीताराम को प्रणाम करेंगे, युगल सरकार को प्रणाम करेंगे, और इनके जो इष्ट हैं वो युगल सरकार ही हैं, अकेले राम उनके इष्ट नहीं है, उनके इष्ट सीताराम। सिया राम में सब जग जानी, ये ध्यान रखना, उसने ये नहीं कहा कि अकेला राम, मैंने सब जगह देखा है। क्या कहता है तुलसी, सिया राम में सब जग जानी, बाकी ज्ञानी तो कुछ और कहते हैं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, उन्हें ब्रह्म दिखता है, खाली ब्रह्म। इन्हें सीता भी देखी, सिया राम में सब जग जानी। अब ये पहुंच गए वहां वृंदावन में, तो कुछ लोग कहने लगे कि महाराज यहां तो ठाकुर रहता है, और ये मुकुंद माधव बनवारी गिरधारी का धाम है, यहां तो राधा माधव राधा रमन रमण बिहारी बांके बिहारी रसक बिहारी छैल बिहारी सबने एक एक बिहारी रखे हुए अपने सब मठों में मंदिरों में, एक एक बिहारी, कोई वेद बिहारी है, रसक बिहारी है, प्रेम बिहारी है, छैल बिहारी है। एक हमारे कोई परिचित हैं, हमारे शिष्य हैं, हमने उनसे पूछा भाई आपके बिहारी का नाम क्या है, उसने कहा जी आनंद बिहारी। एक बगल में और महात्मा बैठा था, भैया तेरे बिहारी का नाम क्या है, तो बोले महाराज मैं तो वेद, मैं वेद अध्यासी हूं, वेद बिहारी। कित मुरली कित चंद्र का कित गुपियन को साथ, कित मुरली कित चंद्र का कित गुपियन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। सब कहने लगे कि आप तो केवल राम को ही प्रणाम करेंगे, सीता को यहां तो ठाकुर है। तो उन्होंने कहा कि राम कृष्ण एक ही सत्ता है, उभय रूप में एक ही तत्व है, लेकिन आपको यही है तो ठीक है, मैं राम जी का आह्वान कर लेता हूं, और सारे वृंदावन के अथवा ब्रज के आचार्य पंडित योगी साधु सिद्ध मुनि और ज्ञानी बड़े चकित थे ये देखकर, कित मुरली कित चंद्र का कित गुपियन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। हाथ में धनुष बाण आ गया, ये इष्ट के प्रति श्रद्धा की बात है। लेकिन अब ये किन्हें प्रणाम कर रहे हैं, उद्भव स्थिति संहार कारणिम संहार, ये तीन चीजें, सृष्टि स्थिति लय, सृष्टि में तीन चीजें चल रही हैं, जन्म विकास ह्रास अंत, या जो चीज जन्म लेती है जातसे ध्रुवो मृत्यु, जो चीज यहां पैदा होती है मरती है, जातसे ध्रुवो मृत्यु, या कुछ चीज पैदा होती है या भोर होती है फिर दोपहर हो जाती है, दोपहर होकर फिर सांझ, सांझ से सरक कर रात, और कब वो प्रभात हो जाती है कहना कठिन है, यावन और फिर प्राणता, और कब शमशान की तैयारी, अंगम गलितम पलितम मुंडम। इन तीनों का जो कारण है, उद्भव स्थिति संहार कारणिम, इतना ही नहीं करती हूं। रामायण में हमको चलना है, बड़ी सरस कथा कहेंगे कल से, आज तो घाट बनाया जा रहा है, आज पहला दिन है, आज तैयारी कर रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं, आज पहला दिन है, तो पहले दिन कुम्हार जो है वो मिट्टी तैयार करता है, पहले दिन चित्रकार कैनवस पे अपना
तुलिका नहीं लेकर जाता, रंगों की तैयारी करता। और शिल्पी, मूर्तिकार, शिल्पकार पहले दिन मूर्ति नहीं बनाता, पत्थर के मन को पड़ता है कितनी चोट सहन कर सकता है। धीरे धीरे पहले एक दो हथौड़ी लगाता है, फिर वो घन का प्रहार करता है कि नासिका निकालनी है, चिबुक हनु वक्षस्थल भुजाएं नेत्र भंगिमाएं। अब कल्पना तो करके देखो मूर्तिकार किस ढंग से नेत्र की भंगिमाएं बनाता है, और नासिका बनते बनते टूट जाए, छेनी हथौड़े से प्रहार न सहन करे। ऐसी कथा में सभी गुरुजन व्यास के मनमानस में बैठकर तैयारी करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारणी, इतना ही नहीं है, असली बात पर आओ, क्लेश हारणी। तो याद रखना सीता क्या करती है, क्लेश हारणी। वो केवल ये तीन ही काम नहीं करेंगे, उद्भव स्थिति संहार, चौथा काम और है, क्लेश हारणी। केवल क्लेशों का शमन करती है बस, ना ना तुलसी रुके नहीं, आगे बढ़े, सर्वश्रेष्ठ करीम सीता, सर्वश्रेष्ठ करीम सीता। इसका अर्थ क्या है, जो श्रेयस हो सकता है, अभिद्या तो वो दे ही देंगी, लेकिन श्रेयस्थ करीम सीता, क्या श्रेयस्कर है, हितकर क्या है। ये ध्यान रखना, गुरु इस बात की चिंता में नहीं रहता कि सुखकर क्या है, हितकर क्या है। वैद्य कम चिंता करता है आपकी, क्या आपको दवाई मीठी लगे, ये वैद्य का काम नहीं है कि मीठी मीठी बातें, ये संसार के लोग मीठी बातें करते हैं, गुरु नहीं करेगा। गुरु रखा है कि आपने मीठी बात करने वाला को गाइड रखा है, भाई हम तो वैसी बात करेंगे, संत तो वही बात कहेंगे, क्या जिसमें हित छुपा है, शास्त्र तो वही बात कहेगा ना, सर्वश्रेष्ठ करीम सीता। श्रेयस क्या है, श्रेयस दो पथ है, एक है प्रेय, दूसरा है श्रेय, प्रेय मार्ग श्रेय मार्ग। उपनिषदों में दो रास्ते बताए, एक प्रेय मार्ग एक श्रेय मार्ग, एक सत्य का पंथ सतो पंथ, एक सत्य का मार्ग। तो सीता सत्य पथ को प्रशस्त करती और वो सहायक बनती। पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार महादेव से पूछा पार्वती ने, तो माया बनकर फिर रही है उनके पीछे पीछे, माया तो भरमाती है। पता लग गया सीता को, पार्वती जी को, पार्वती ने कहा तो माया है, ये सीता नहीं है, ये माया है। माया, कबीर कहता है महा ठगनी हम जानी, माया ठगनी है नहीं, दिखती है, उसका कोई एग्जिस्टेंस होता नहीं है, ऐसे ही है, ये तो माया है। तुलसी बाबा लिखते हैं ना, उभय बीच सी सोहत कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। पहली बार दृष्टि गई पार्वती की, और उन्हें महादेव से कहा देखो देखो ये तो माया चल रही है पीछे पीछे, ये तो माया है, ये है ही नहीं, ये सत्य नहीं है, ये तो माया है। तो भगवान शिव ने कहा माया है कौन सी, ये तो देखो। अनुशासित है, उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। तो जीव को ब्रह्म से मिलाने वाली माया है, भटकाने वाली नहीं है। जीव भटक जाए अपने पथ से और सांसारिक प्रलोभन और विविध आकर्षणों में उलझ जाए, ये वो माया नहीं है। ये बड़ी सौम्या है, सुभद्रा है, शीला है, मंगला है, कल्याणी है, ये अति सौम्या है। प्रणाम किया, ग्रंथ के अत्यंत आदर के लिए अगर मैं ये बात कहूं कि राम को प्रणाम करते हुए तुलसी बाबा क्या कहते हैं, वंदेहम
तमशेष कारण परम रामाख्यमिषम हरिम। इससे पहली जो चार पंक्तियां हैं वो वेदांत है, वो बीच में लाएंगे एक दिन, क्योंकि अगर अभी हम वेदांत ले आए तो फिर लगा कि भाई कथा में इतना वेदांत कैसे है। तो हमें लगा कि ये पंक्ति ज्यादा सुखकर प्रतीत होती है। वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। आओ मैं हरि को प्रणाम कर लूं, जो आदि में अंत, जो आदि है अंत है मध्य है सनातन है सुचि है सर्वज्ञ है, सभी रूपों में वही है, उससे इतर कुछ और है तो वो भी उसी का व्यवहार है, वो उसी की प्रातिभासिक सत्ता है। ये प्रातिभासिक सत्ता जानते हो किसे कहते हैं? अच्छा, जो सपने में आपने देखा वो सच था या झूठ था, पर आप रो तो पड़े, दुखी तो हो ही गए, यानी सपने के झूठ ने कितना परेशान कर दिया आपको। ये कथा के नायक भी हैं, ये कथा में रहते हैं, ये आश्वासन देते हैं कि जहां कथा होगी हम रहेंगे। बड़े बड़े वक्ताओं को महात्माओं को भक्तों को अनुभूति हुई है, बाबा रहता है, बाबा माने हनुमान रहता है, बाबा कथा में रहता है, बाबा की उपस्थिति रहती है। देखिए लाओ हनुमान जी को लेकर आते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव किरो करो गुरुदेव के नाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 मिलकर बोलिए हनुमान गोसाई, करो गुरुदेव की नाई, करो गुरुदेव के नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही, जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय बलि रे सा सपा पा पा पम पम रे मारे मरे सरे सरे नी सफा नी रे सरे नी 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 पसा सा सा रे मरे सा नी सफा नी मा परे मा सरे नी सा, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। तुलसी बाबा इतनी बड़ी बात लिख रहे हैं और वो कहते हैं और देवता चेतन धरही, और देवता चेतन धरही, और देवताओं को छोड़ो उन्हें रहने दो, काम के लिए यश के लिए सिद्धि के लिए प्रसिद्धि के लिए, कितनी बड़ी बात है। और देवता चेतन धरही, और
हनुमत से सर्व सुख करही हनुमत से सर्व सुख करही। और वो सिद्ध हो जाएगा, मैं शपथ खाकर कहता हूं। ये कहते हैं हनुमान जी, हनुमान जी के लिए तुलसी कहता है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साक्षी गौरीसा। साक्षी गौरीसा, अब ये बात समझ नहीं आई हमारे। भगवान ने कहा पार्वती जो ये हनुमान चालीसा पढ़ेगा वो सिद्ध हो जाएगा, हम कह रहे हैं, तो हनुमान जी कह रहे हैं कि शंकर कह रहे हैं। तो आइए भेद की बात बताएं, हनुमान जी कोई और नहीं, महादेव ही हैं हनुमान जी।